यस हेलो स्टूडेंट, जैसे अपन प्रीवियस क्लास के अंदर बात कर रहे थे ड्यूटेरॉन प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है, ड्यूटेरॉन अपने पास एक बॉन्ड न्यूक्लियस है जिसे ग्राउंड स्टेट एनालिसिस अपन स्क्वायर वेल पोटेंशियल एजिप्शन से कर रहे थे। क्या टास्क थी अपनी, एक श्रोडिंगर इक्वेशन था, उस श्रोडिंगर इक्वेशन को स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करके उसके रेडियल पार्ट को सेपरेट किया और उसमें ड्यूटेरॉन की कंडीशंस अप्लाइड करके उसका रेडियल फंक्शंस की वैल्यू इन ग्राउंड स्टेट में फाइंड की। ग्राउंड स्टेट एट एल बराबर जीरो स्टेट में, और जो एल बराबर जीरो स्टेट के अंदर अपने पास जो फंक्शन आया था इनसाइड, वो आया था साइन ए के आर, और दूसरा अपने पास आउटसाइड जो फंक्शन था वो था डी ई की पावर माइनस अल्फा आर, जहाँ अल्फा आर के कॉन्स्टेंट्स थे। और इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी अपन ने एक वेल डिफाइंड हाइपोथिस फॉर्म के अंदर अपन ने डिफाइंड किया था कि इनसाइड रीजन में साइनसोइडली फंक्शन और आउटसाइड में एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अपन इस फंक्शन पर इसकी मोर देन पॉसिबल स्टेट्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने इसकी कंटिन्यूटी इक्वेशंस, अपने पास ये ग्राफ कैसा था कि अपने पास एक बाउंड्री पर नेगेटिव स्टेट के ऊपर आर बराबर बी पर ये तो था ए साइन के आर का ग्राफ और ये था ई की पावर माइनस अल्फा आर का ग्राफ। ठीक है, और इस ग्राफ की पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये हाइपोथिस मैच खाती है अपनी, जो कॉन्ट्रावेंसी नहीं है इस टाइप की सेट है तो। लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशन पार्शियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो उसमें मोर देन सॉल्यूशंस होंगे, तो मोर देन आइगन फंक्शंस अपन निकालना चाहते हैं जिसे कॉरस्पॉन्डिंग मोर देन आइगन स्टेट्स होगी। तो उसके लिए अपन ने एक कंडीशंस के द्वारा मैंने कंटिन्यूटी की इक्वेशन के द्वारा और उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूटी इक्वेशन के द्वारा एक रेस्टिगेशन आया था, और वो रेस्टिगेशन था कि कोट के बी इजकल टू माइनस अल्फा। ठीक है, बी से मल्टीप्लाई कर लिया था अपने और इसको मैंने इस टाइप से लिख दिया था एक्स कोट के एक्स बराबर माइनस अल्फा बी। ये अल्फा बी इज द कॉन्स्टेंट, वह अल्फा की वैल्यू थी ई डी एम अपॉन एस क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, और ई डी इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो अल्फा ऑल्सो भी स्मॉल क्वांटिटी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में था। ठीक है, तो अपने पास यहाँ जो बी है वो एक फर्मी ऑर्डर का डायमेंशन है, सरफेस या रेडियस ऑफ द ड्यूटेरॉन न्यूक्लियस 1.5 फर्मी होती है। ठीक है, 2. ड्यूटेरॉन के लिए अल्फा की जो इसकी बी की जो वैल्यू है रेडियस जो सरफेस है वो 2.1 फर्मी माना गया। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्फा बी की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट है न्यूमेरिकल में 0.43 के समथिंग आती है, एक कॉन्स्टेंट आता है। तो इसका अपन एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये एक ट्रांसड्यूशियल इक्वेशन है जिसको अपन ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे और उसके पॉसिबल वैल्यूज, और अपने पास एनर्जी पोटेंशियल वेल और रेंज डेप्थ रिलेशन भी फाइंड आउट करेंगे और मोर देन स्टेट्स भी फाइंड आउट करेंगे जिसमें ड्यूटेरॉन एग्जिस्ट होता है। तो देखो इसके सॉल्यूशन के लिए मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, हॉट एक्स इजकल टू माइनस अल्फा बी अपॉन एक्स, अल्फा बी इज द कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो मैं इस कॉन्स्टेंट को माइनस 0.432 एक्स, दोनों का सेपरेट दो अपन वैल्यूज मान लेते हैं, इजकल टू अपन कोई वाई मान लेते हैं फंक्शन, तो दो फंक्शन बन जाएंगे अपने पास, एक वाई इजकल टू कोट एक्स और एक है वाई इजकल टू माइनस 0.432 अपॉन एक्स, ये दो फंक्शन बन गए। दोनों का सेपरेटली ग्राफ
रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों के जो इंटरसेक्स पॉइंट होंगे वो इसके सॉल्यूशन पॉसिबल वैल्यूज होगी ऑफ द एक्स। तो देखो इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करने के लिए लाइन खींच दी, इधर वैल्यूज ले लेते हैं एक्स की और इधर वैल्यूज ले लेते हैं वाई की। ठीक, मैं एक बार फिक्स वैल्यूज है वो यहां पुट कर देता हूं, पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, टोटल फाइव पाई बाई टू। ये मैं लाइंस खींच लेता हूँ, तो पाई बाई टू का रीजन है। जो कोर्ट के ग्राफ अपन एक क्वाड्रेंट फॉर्म में मैं नोट करके प्लॉट करूँगा। तो कोर्ट की वैल्यू पाई बाई टू पर, थ्री पाई बाई टू पर, फाइव बाई टू पर जीरो होती है, और जीरो पर, पाई पर इनपर इन्फिनिटी होती है। तो ग्राफ पहले पॉजिटिव सेम बीच होके इन्फाइनेट हो जाएगा पाई पर, फिर वापस ऐसे हर क्वाड्रेंट में होगा। ये ग्राफ किसके हैं? y बराबर कोट एक्स के। ठीक है, मतलब ये जो अपना फर्स्ट इक्वेशन है इसका, सेकंड वाला इन्वर्सली ग्राफ है नेगेटिव जीरो के ऊपर, x समान जीरो पर नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी से ग्राफ स्टार्ट होगा। ठीक है, और इन्फिनिटी पर जीरो हो जाएगा और नेगेटिव रीजन से जाएगा, लेकिन वैल्यू से पाई बाई टू के नियर देखें इसकी वैल्यू, x की वैल्यू यदि पाई बाई टू कर रहे हैं, ऊपर वाली क्वांटिटी 0.4 है, पाई बाई टू की वैल्यू देखो वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई टू 3.14 बाई टू मतलब 1.56। तो मतलब यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो इन्फाइनेट से जाके यहाँ 1 के आसपास, मतलब यहाँ जो 1.5 के आसपास आ जाएगी, और 1.5 के आसपास जाके पाई के ऊपर इसकी 3 पॉइंट, तो 1.5 पर डिवाइड दिया उससे भी कम आएगी, 1.5 पर डिवाइड देंगे 0.4 में तो इसकी वैल्यू और भी डिक्रीज होगी, तो मतलब 1 से भी लेस आएगी। तो ग्राफ इन्फिनिटी से आके इसको जस्ट 1 पर, इसे 1 से भी कम, ये लेस होके इस पैरेलल हो जाएगी अपने पास किस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस की। ये ग्राफ किसका है? ये है वाई बराबर 0.43 अपॉन एक्स का। तो मतलब इन ग्राफों के जो इंटरसेक्ट पॉइंट्स हैं ये है पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू। तो मीन्स सोल्यूशन ऑफ दिस ट्रांसजिशियल इक्वेशन इज कैपिटल एक्स इजिकल टू क्या जाएगा कि दोनों के सेपरेटली ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिए, दोनों के जो इंटरसेक्ट, देखो ये अपने पास सेकेंड इनवर्सली एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ है, लेकिन ये वैल्यू 1 के नियर 1 से भी कम होगी, जो यहाँ से अपन वैल्यू एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, और ये अपने कोट के ग्राफ्स हैं, तो दोनों के इंटरसेक्ट कि x का जो पॉसिबल सोल्यूशन है इज अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल परफेक्ट भी नहीं, हायर वैल्यू पर 3.5/2 पर, लेकिन पाई बाई टू के नियर मैच होगा, तो पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू डॉट डॉट। तो मतलब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2n+1 पाई बाई टू, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, तो देखिए सॉल्यूशंस आ जाएंगे, तो जिसमें ये इसकी मोर देन पॉसिबल स्टेट्स है, एन बराबर 0 फर्स्ट लोएस्ट स्टेट, एन बराबर 1 फर्स्ट एक्साइटेड, एन बराबर 2 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट्स आ गई। तो सबसे लोएस्ट स्टेट के अंदर इसकी वैल्यू पॉसिबल, तो उसके आइगन जो वैल्यूज है के की, एस के बी की वैल्यू अपन ने निकाल ली, तो वहाँ पर अपन आइगन फंक्शंस की जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो n बराबर 0 के ऊपर जो x की वैल्यू है
वो क्या होगी, पाई बाई टू। ठीक है, इस कंडीशन पर एक्स के बी की वैल्यू, मतलब यहां एक्स अपन के बी माने तो के बी की वैल्यू अपने पास पाई बाई टू है। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंट में जो अपने फर्स्ट एन बराबर जीरो स्टेट के लिए, जीरो स्टेट फॉर एन बराबर जीरो स्टेट जो अपन ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, तो यदि इसमें साइन पाई बाई टू में यहां आर बराबर बी के ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम से थोड़ा सा डिक्रीज नेगेटिव स्लोप में आ जाती है, तो उसके बीच में ग्राफ अपने पास सेकेंड वाला ग्राफ आता है। तो ये अपनी एजुप्शन हाइपोथेसिस से मैच करता है। तो मतलब एन बराबर जीरो स्टेट में ड्यूटेरॉन एग्जिस्ट होता है। यदि एन बराबर वन करें तो कैपिटल एक्स की वैल्यू थ्री पाई बाई टू होगी। तो थ्री पाई बाई टू में जो अपना ग्राफ होगा वो ऐसा नहीं है कि इसमें नोड आके फिर नेगेटिव से ग्राफ स्टार्ट होगा या नेगेटिव से आके फिर पॉजिटिव पर जाएगा, तो बीच में नोड आएगा, जो कि अपने हाइपोथेसिस कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है कि अपन कि न्यूक्लियस के इनसाइड में कोई क्या नहीं होना चाहिए, नोड नहीं होना चाहिए। मतलब ग्राउंड स्टेट की भी मोर देन पॉसिबल स्टेट्स होती है, जिसमें ये सबसे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है और वो पॉसिबल है, और उस कंडीशन में के बी इज इक्वल टू पाई बाई टू है और ग्राफ अपना ये होगा, ये इनसाइड रीजन का, ये आउटसाइड रीजन का। लेकिन यदि अपन एन बराबर वन स्टेट की बात करें, ये प्रूव करेंगे ग्राउंड स्टेट की लोवेस्ट स्टेट से अदर एक्साइटेड स्टेट में भी ड्यूटेरॉन एग्जिस्ट होता है, लेकिन ये अपना जो आउट रिजल्ट है वो क्या बताएगा इस स्टेट में, जो एन बराबर वन पर एक्स की वैल्यू थ्री पाई बाई टू होगी। तो इस कंडीशन में अपने पास यदि फंक्शन यू और रेडियल डिस्टेंस आर में यदि अपन ग्राफ प्लॉट करें आर बराबर बी पर, तो अपने पास ग्राफ ये आएगा, मतलब बीच में एक नोड बनेगा कि थ्री पाई बाई टू के ऊपर आर एक्स के बी की वैल्यू थ्री पाई बाई टू होगी। तो मतलब साइन का फंक्शन पहले नेगेटिव जाके, क्योंकि आगे तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग पार्ट है, अपन इस टाइप से नहीं बढ़ा सकते कि अपना आर बराबर बी के ऊपर जो ग्राफ है वो पॉजिटिव हाइएस्ट साइन डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। तो लेकिन ये अपना हाइपोथिस का कॉन्ट्राडिक्शन है, न्यूक्लियस बॉन्ड सिस्टम की हाइपोथिस का कॉन्ट्राडिक्शन है कि नोड नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब है कि एन बराबर वन स्टेट इज नॉट एग्जिस्ट, तो आल्सो भी अदर वैल्यूज ऑफ अबाउट टू वन आल्सो नॉट एग्जिस्ट। तो मींस ओनली एन बराबर जीरो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूटेरॉन इज एग्जिस्ट ऑफ दिस ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इज मैच टू थ्योरेटिकली हाइपोथिस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब यहां पर यह एग्जिस्ट नहीं होगा एक्साइटेड स्टेट, ड्यूटेरॉन की अपन ग्राउंड स्टेट में ही लोवेस्ट एनर्जी स्टेट एग्जिस्ट होती है, उसकी कोई अदर एक्साइटेड स्टेट्स नहीं होती। लेकिन डायरेक्ट यदि एक्साइटेड स्टेट पहुंचे तो एल बराबर वन पर प्रूव कराएंगे अपन, ये तो केवल ग्राउंड स्टेट की लोएस्ट एनर्जी स्टेट एग्जिस्ट होती है। तो इस ग्राउंड स्टेट में अपने पास ये रिलेशन वैलिड होगा, कौन सा, के बी बराबर पाई बाई, इसके अलावा कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं है। देखिए इस ग्राउंड स्टेट में डेप्थ एंड डेप्थ रेंज रिलेशन, डेप्थ एंड रेंज रिलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट ड्यूटेरॉन, ड्यूटेरॉन की ग्राउंड स्टेट का डेप्थ रेंज रिलेशन, मतलब बी रेंज अपनी क्या है, आर बराबर आर नोट भी बोलते हैं इसको, बी बोल सकते हैं, बी अपना मैक्सिमम रिसर्व रेंज है और डेप्थ वी नोट है। तो मतलब रिलेशन किसमें निकालना है, रिलेशन बिटवीन बी एंड वी नोट। कई बार अपन कई बुक्स में आर नोट एंड वी नोट, आर नोट बी रेंज माना मान सकते हैं।
तो ग्राउंड स्टेट में कौन सी स्टेट कंडीशन क्या है, के वी बराबर पाई बाई टू, लेकिन ये जस्ट अप्रोक्स माना जाता है, इसे स्मॉल वैल्यू में वेरिएशन होता है, मतलब ये जस्ट पाई बाई टू पर नहीं होता है, ये पाई बाई टू जस्ट अबव वैल्यू होती है, तो एक स्मॉल वैल्यू पार्ट होता है, उस वैल्यू को भी अपन नेग्लिजिबल पहले प्रूव कर सकते हैं कि के बी की वैल्यू पाई बाई टू नहीं, पाई बाई टू प्लस कोई स्मॉल क्वांटिटी एप्सनल होता है, ठीक है, कि क्योंकि अपन ग्राफ, यदि ये ग्राफ है आउटसाइड का एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग से नेगेटिव स्लोप से स्टार्ट होता है, इसलिए मैक्सिमम से होके थोड़ी सी वैल्यू हायर होनी चाहिए, तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि के बी इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एप्सिलॉन, कोई स्मॉल क्वांटिटी है यहाँ पर जो अपने हाइपोथेसिस थ्योरेटिकली बता रहा है, तो इस एप्सिलॉन की वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं, कैसे, तो अपने पास एक रिलेशन है, जो ग्राउंड स्टेट का रिलेशन है वो है के बी कोट के बी इज इक्वल टू अल्फा बी, जिसकी क्वांटिटी 1.4 की क्वांटिटी वैल्यू होती है, यहाँ के बी की वैल्यू को अपन क्या लिख दें, पाई बाई टू प्लस एप्सिलॉन कोट पाई बाई टू प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस, मतलब ये कंडीशन अपन एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे, ये टेन एप्सिलॉन हो जाएगा, और एब्सेंस मान है स्मॉल वैल्यू है, तो टेन थीटा, थीटा स्मॉल हो तो उसको थीटा लिख सकते हैं, तो मतलब पाई बाई टू प्लस एप्सनल, और यहां पर वैल्यू एप्सनल हो जाएगी इजकल टू माइनस अल्फा बी, तो अब इस रिलेशन से अपना एप्सनल की वैल्यू निकाल सकते हैं, कि अपने पास एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो एक रिलेशन आ गया, जहाँ पाई का वैल्यू जानते हैं अपन, अल्फा जानते हैं, बी जानते हैं, ये सब वैल्यू हो तो एप्सिलॉन की वैल्यू, लेकिन वो एक तो ये स्मॉल क्वांटिटी है, इसमें और भी डिवाइड लगेगा, तो इसका मतलब ये 0.04 से भी लेस क्वांटिटी होगी, तो अपन इस एप्सिलॉन की कि ग्राउंड स्टेट के अंदर पाई बाई टू का अप्रोक्स पाई बाई टू मान लेते हैं, अदरवाइज उस एप्सिलॉन जो वैल्यू है वो अपन इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अपन डेप्थ एंड एनर्जी रिलेशन इस फॉर्मूले को एप्लेक्स पाई बाई टू एज्यूम करके मान, के बी के की वैल्यू अपन पीछे देखें तो अपने पास है एम एच, यहां एम एक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास है, वी नोट माइनस ड्यूटेरियन एनर्जी का स्क्वायर का तो मतलब अंडर रूट क्वांटिटी है, इंटू बी बराबर पाई बाई, ठीक है, यहां देखिए अपने पास वी नॉट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द ड्यूटेरियन एनर्जी लेवल, इसकी वैल्यू 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन, इसकी 20 से अबव मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, तो इस कंडीशन में अपन यहां पर क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं किसको, ईडी को, तो अपने पास रिलेशन B इज इक्वल टू पाई बाई टू, देखो साइड में है, इस पूरी क्वांटिटी को ED को नेग्लिजिबल मान के मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जहाँ S क्रॉस अंडरूट से बाहर आ गया, ठीक है, और नीचे अंडरूट M V नोट, इसको बोलते हैं डेप्थ एनर्जी रिलेशन फॉर ग्राउंड स्टेट ड्यूटेरियन, वो न्यूमेरिकल आएगा, तो यहाँ आपको इस फॉर्मूले को यूज करके उसमें यदि एनर्जी या तो आपको पोटेंशियल डेप्थ दी जाएगी या रेंज दी जाएगी, तो रेंज और पोटेंशियल डेप्थ के बीच में रिलेशन ये होता है जिसके द्वारा अपन न्यूमेरिकल शोल कर, ठीक है, ये अपने ग्राउंड स्टेट एनालिसिस हो गया किसका, ड्यूटेरियन का, उसमें ये प्रूव कर दिया कि ग्राउंड स्टेट ड्यूटेरियन एग्जिस्ट होती है और लोवेस्ट एनर्जी लेवल में होती है, जिसके लिए डेप्थ एनर्जी रिलेशन ये होता है, उसकी और एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट में कोई पॉसिबल नहीं होती, जिसको अपने कॉन्ट्राडिक्शन हाइपोथेसिस से प्रूव करती है, कि एन बराबर 1, 2, 3 मानते हैं तो अपने जो एज्यूम्पशन है वो क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल एज्यूम्पशन नहीं आते,
ये कंप्लीट ग्राउंड स्टेट ड्यूटेरॉन एनालिसिस कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ ड्यूटेरॉन। ये एग्जिस्ट नहीं होती लेकिन इसको प्रूव करना है कि नो एनी एक्साइटेड स्टेट एग्जिस्ट ऑफ ड्यूटेरॉन। लेकिन देखो अपने पास एक एंगुलर मोमेंटम हाइपोथेसिस है जिसका एनालिसिस हम बाद में भी करेंगे कि इसमें केवल ग्राउंड स्टेट में भी ट्रिपलेट स्टेट ही एग्जिस्ट होती है और उसमें डी मिक्सर होता है, डी स्टेट का ट्रिपल स्टेट का डी मिक्सर होता है। छोटा सा एनालिसिस मैं बताता हूँ कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ड्यूटेरॉन इज द वन होता है, और J इज इक्वल टू अपन जानते हैं कि वेक्टर L प्लस S होता है, और इसका स्पिन क्वांटम नंबर ड्यूटेरॉन का वन होता है फिक्स है, ट्रिपलेट स्टेट है ये बताता है इसका मतलब, ट्रिपलेट स्टेट ही एग्जिस्ट है, सिंगलेट स्टेट ड्यूटेरॉन की एग्जिस्ट नहीं होती, और टोटल एंगुलर मोमेंटम वन। तो दो पॉसिबिलिटी है कि J बराबर वन और S बराबर वन, देन में पॉसिबल L बराबर जीरो एंड टू। L की जीरो भी वैल्यू हो सकती है, टू भी हो सकती है। कैसे कि पहला कॉम्बिनेशन ये कह सकते हैं J बराबर वन, S बराबर वन, तो L बराबर जीरो, क्योंकि L प्लस S बराबर वन प्रूफ हो रहा है, L माइनस S भी होता है। तो ये स्टेट कौन सी कहलाएगी, S स्टेट, और S बराबर वन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट की S वन स्टेट अपने पास एग्जिस्ट है, तो इसका मतलब इसको अपन थ्री S वन स्टेट लिखते हैं, क्वांटमली रिप्रेजेंटेशन थ्री S वन स्टेट है ये, जो 96% स्टेट 96% प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्यूटेरॉन इस स्टेट में होती है। लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी है J बराबर 1, ऑल्सो S बराबर 1, बट L बराबर 2, जो अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर L माइनस S, तो 2 माइनस 1 1 हो सकता है, और ये L बराबर 2 का मतलब डी स्टेट है और S बराबर 1 का मतलब ट्रिपलेट स्टेट है, और यहाँ जो अपने पास है ग्राउंड स्टेट, ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम, अपन ग्राउंड स्टेट की बात करें 3s1, फिर s1 लगाते हैं, ये ट्रिपलेट का ही है, 3s1 स्टेट होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब ड्यूटेरॉन 3s1 और 3d1 स्टेट का डी मिक्सचर होता है, जो अपने क्वांटमली क्वांटम नंबर एनालिसिस के बेसिस पर बता सकते हैं कि ट्रिपलेट स्टेट दो स्टेट का डी मिक्सचर होती है, मिक्सचर होती है, जिसमें 3s1 स्टेट 3d1 स्टेट क्वांटमली रिप्रेजेंटेशन ये है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग 96% होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ओनली 4% होती है, जिसको अपन प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो ये है ड्यूटेरॉन की केवल ग्राउंड स्टेट में ही 3s1 स्टेट 96% प्रोबेबल होती है, ओनली एक एक्साइटेड स्टेट डी मिक्सचर होता है 3d1 स्टेट का, लेकिन L बराबर 1 स्टेट एग्जिस्ट नहीं होती है, इसको अपन एक्साइटेड स्टेट करते हैं, तो वो अपन को प्रूव करना है। तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ ड्यूटेरॉन मतलब L बराबर 1 स्टेट के लिए एनालिसिस करना है। तो अपन रेडियल इक्वेशन फॉर ए सिस्टम क्या होती है, डेल स्क्वायर साई डेल आर स्क्वायर वन अपॉन आर स्क्वायर। मैं देखो अपन वहां से स्टार्ट नहीं करके, मैं जो यू में आपने इक्वेशन वन और टू कल रिप्रेजेंट की थी, साई को यू पोन आर में कन्वर्ट कर लिया था, उसके बाद में अपने पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आई थी यू सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, यहाँ
टू एम ई माइनस वी, पहले अपन ऐसा लिखेंगे ई माइनस वी नॉट अपॉन एच का टी स्क्वायर, मतलब ड्यूटेरॉन के लिए नहीं लिख रहा हूँ मैं, किसी एनी पार्टिकल के लिए, माइनस एल एल प्लस वन, क्या था, और इसमें आर स्क्वायर यहाँ था और यू इज इक्वल टू जीरो। अपने पास एक रेडियल इक्वेशन थी, उस रेडियल इक्वेशन को अपन ने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था, लेकिन यहां आर स्क्वायर जो है एल माइनस एल साई के टर्म तक ही है, इसको भी अपन ने कन्वर्ट कर लिया था, तो नीचे आर स्क्वायर आ गया था इसके, आएगा वो आर स्क्वायर, मतलब कॉमन लेके अपने इसको कंसीडर कर लिया था, 2m s cross square minus ll plus r square, r square था, r square कॉमन लेके अपने पास यहां जो r square था उसको कैंसिल कर दिया था, ठीक है। तो इसको ड्यूटेरॉन की l1 स्टेट के लिए, तो ड्यूटेरॉन के लिए क्या क्या कंडीशन, क्या क्या इसमें रिमूव या क्या और ऐड करना पड़ेगा, कि 4 ड्यूटेरॉन इज इक्वल टू माइनस ed, और दो रीजन v की वैल्यू के दो रीजन होंगे, माइनस v नोट इफ r लेस b एंड जीरो इफ r ग्रेटर देन v। मास m इज इक्वल टू एम वाई टू, रिड्यूस मास ऑफ ड्यूटेरॉन है, ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट l बराबर वन, ये कंडीशंस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो अपने पास ड्यूटेरॉन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के क्रॉसकॉर्डिंग रेडियल इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। दो इक्वेशन बनाएंगे जो यहां पोटेंशियल की कंडीशंस हैं, आउटसाइड रीजन का और इनसाइड रीजन का, तो मैं दो इक्वेशन इस मेन फंडामेंटल रेडियल इक्वेशन से फाइंड कर रहा हूं। यू यहां पर पास साई बराबर यू अपॉन आर फंक्शन है, तो देखो पहले इस इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, डेल स्क्वायर यू इनसाइड वाला डेल आर स्क्वायर, ठीक है, एम वाई टू तो एम टू कैंसिल होगा, एस क्रॉस स्क्वायर, पहले v नॉट माइनस ed, ठीक है, माइनस ed यहां प्लस v नॉट, चाहे वो पहले v था, माइनस v नॉट हो गया तो प्लस पॉजिटिव बन गया v नॉट, माइनस l बराबर वन करेंगे तो क्या जाएगा 2 अपॉन r स्क्वायर, और यहां आ जाएगा u इज इक्वल टू जीरो, u मतलब कौन सा, इनसाइड वाला, यहाँ जो अपने पास ये फंक्शन है इसको अपन के स्क्वायर मान लेंगे, इसको मैं थोड़ा सा आगे और रिव्यू कर लेता हूँ, यू इन डेल आर स्क्वायर, तो मैं इसको लिख दूँ के स्क्वायर यू इन, मल्टीप्लाई भी कर दिया, इस फंक्शन को मैंने यहाँ क्या मान लिया, के स्क्वायर माइनस टू यू इन अपॉन आर स्क्वायर इजकल टू जीरो, इक्वेशन टू, मतलब इनसाइड रीजन में ड्यूटेरॉन की फर्स्ट एक्साइज स्टेट के क्रॉसपॉन्डिंग रेडियल इक्वेशन। तो सिमिलरली फॉर द आउटसाइड रीजन, इस इक्वेशन में आउटसाइड का लिखें, आउट अपॉन डेल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस वी तो जीरो है, माइनस इन नॉट तो माइनस आ जाएगा, तो यहां पर एक बार क्वेश्चन करते हो, माइनस एम अपॉन एस क्रॉस स्क्वायर और ई डी और माइनस टू अपॉन आर स्क्वायर यू
out function is equal to 0.